Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम इसमें परसेंटेज से रिलेटेड सारे टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम परसेंटेज से रिलेटेड विविध प्रकार के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कभी कभी पूछ लिया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। तो देखो आयकर क्या होता है, कर का मतलब होता है टैक्स। इंग्लिश में देखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय। तो यहां पर आपके तीन टर्म हैं। एक टर्म है आपका इनकम टैक्स, मतलब कर जिसको हम कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो आयकर, और एक दूसरा जो टर्म है वो है नेट इनकम, और एक तीसरा टर्म है आपकी भाई इनकम। ये तीन टर्म है। तो जो आय होती है वो क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होता है, और नेट इनकम क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेट इनकम का मतलब, इनकम का मतलब किसी व्यक्ति को कहीं से कितने रुपए मिल रहे हैं। टैक्स का मतलब उस इनकम पर कितने रुपए टैक्स लग रहा है। अगर हम उसकी इनकम में से और टैक्स को घटा दें तो उस व्यक्ति की नेट इनकम निकल के आ जाती है। नेट इनकम निकल के आ जाती है। तो देखो यहां से हमारे पास एक बात निकल के आ गई कि व्यक्ति की जो इनकम है, व्यक्ति जितने रुपए कमाता है, व्यक्ति की जो इनकम है, व्यक्ति जितने रुपए कमाता है, अगर उसमें से इनकम पर लगने वाले टैक्स को घटा दें तो व्यक्ति की नेट इनकम निकल के आ जाती है। नेट इनकम का मतलब, नेट इनकम निकल के आ जाती है, नेट इनकम का मतलब होता है निवल आय। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो व्यक्ति की आय में से, आय का मतलब जितने रुपए वो कमाता है उसमें से अगर हम कर को माइनस कर दें, कर को माइनस कर दें, तो हमारे पास निकल के आ जाती है निवल आय। निवल आय का मतलब कर को हटाकर जो आय होती है उसको हम निवल आय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कोई व्यक्ति, मान के चलो कोई व्यक्ति 5,000 रुपये कमाता है और 5,000 रुपये पर 1,000 रुपये का टैक्स देता है, तो अगर मैं उसमें से 1,000 को घटा दूंगा तो नेट इनकम उसकी हो जाएगी 4,000। नेट इनकम का मतलब टैक्स काटने के बाद उसके हाथ में कितने रुपए आए वो। तो जब कभी भी ये वाली बात समझ में आ गई होगी, इनकम बराबर होता है नेट इनकम, इनकम बराबर होती है, इनकम में से अगर टैक्स को घटा दें तो नेट इनकम हमारी निकल के आ जाती है। तो यहां से अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इनकम निकालें कि व्यक्ति की आय बराबर क्या होता है, तो नेट इनकम व्यक्ति की है कितनी, ये वाली वैल्यू, और टैक्स को अगर हम इधर लेके जाएंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे, तो इधर ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से एक और बात निकल के आ गई कि नेट इनकम में अगर टैक्स को जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की आय निकल के आ जाती है, व्यक्ति की आय निकल के आ जाती है। जैसे मान के चलो व्यक्ति की आय 5,000 रुपये है और 1,000 रुपये का टैक्स लगता है, तो इसका मतलब उसकी निवल आय जो है 4,000 हो जाएगी। तो 4,000 और 1,000 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो इनकम निकल के आ जाएगी 5,000। तो नेट, व्यक्ति की इनकम बराबर होती है नेट इनकम प्लस टैक्स के। अब यहां पर बस एक और बात समझनी, ये बात तो समझ में आ गई कि इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होती है, और टैक्स क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से एक बात आपको ये समझनी है कि जैसे मान के चलो अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए, जैसे मान के चलो इसी इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े, इनकम जितनी पहले थी उतनी ही रहे, इनकम 5,000 ही रहे, इनकम पर कोई प्रभाव ना पड़े, और टैक्स को बढ़ा दिया जाए, मतलब 1,000 रुपए टैक्स को मान के चलो 500 रुपए से अगर बढ़ा दिया जाएगा तो नया टैक्स कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर नया टैक्स 1,500 हो जाएगा। और अगर हम नेट इनकम निकालेंगे नई, तो इनकम 5,000 में से नए टैक्स 1,500 को माइनस करेंगे तो नई नेट इनकम आ जाएगी 3,500। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही इनकम को कॉन्स्टेंट रखा गया और
टैक्स को मैंने 500 रुपए से बढ़ाया तो टैक्स को 500 रुपए से बढ़ाते ही नेट इनकम 500 रुपए से कम हो गई, 500 रुपए से कम हो गई। मेरे कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम पर टैक्स बढ़ेगा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम पर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम जितने रुपए से टैक्स बढ़ेगा उतने रुपए से ही कम हो जाएगी अगर आय जो है वो कांस्टेंट रहे। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आय पर टैक्स बढ़ेगा तो उसकी नेट इनकम उतने ही रुपए से कम हो जाएगी जितना टैक्स बढ़ा है। मतलब टैक्स में वृद्धि इनकम टैक्स में कमी के बराबर होती है और टैक्स में कमी और नेट इनकम में वृद्धि के बराबर होती है। जैसे ये 500 ये भी 500, तो आपको ये बात यहां से ध्यान रखना है कि टैक्स में जितने रुपए की वृद्धि होगी उतने ही रुपए की नेट इनकम में कमी हो जाएगी और यदि टैक्स में कमी होगी तो नेट इनकम में उतने ही रुपए की वृद्धि हो जाएगी। एक और बात, दो बात हमारी समझ में आ गई, एक तो हमने सारी चीजों को समझ लिया फर्स्ट चीज में और सेकंड में हमें ये बात समझ में आ गई कि टैक्स को जितने रुपए से बढ़ाएंगे उतने ही रुपए से नेट इनकम कम हो जाएगी। उसके बाद एक तीसरी बात, टैक्स परसेंटेज क्या होता है या टैक्स को किस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो टैक्स हमेशा लगता है व्यक्ति की आय पर और हमने परसेंटेज में पढ़ा है, परसेंटेज में हमेशा रिजल्ट आता है ऊपर, तो ये टैक्स परसेंट है तो इसका मतलब टैक्स तो आएगा ऊपर। और टैक्स को कैलकुलेट किस पर करते हैं, तो टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है इनकम आय पर, तो वो वैल्यू आएगी नीचे और मल्टीप्लाई 100, तो यहां से टैक्स परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जब कभी भी हमको टैक्स प्रतिशत निकालना होगा तो ये देखेंगे टैक्स कितने रुपए है और इनकम कितनी है, मल्टीप्लाई 100 तो टैक्स का परसेंट आ जाएगा। तो यहां से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टैक्स प्रतिशत हमेशा व्यक्ति की आय पर कैलकुलेट किया जाता है व्यक्ति की इनकम पर। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, इस वाले क्वेश्चन में ही अगर मैं टैक्स का परसेंट बताऊं तो टैक्स परसेंट निकालने के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का टैक्स है ये निकालने के लिए देखेंगे टैक्स कितना है। तो टैक्स कितना है, 1000 रुपए, तो टैक्स की राशि आएगी ऊपर। और इनकम कितनी है, इनकम कितनी है, तो इनकम देखेंगे इनकम है, इनकम कितनी है 5000, नेट इनकम नहीं, इनकम पर लगता है हमेशा टैक्स, तो इनकम कितनी है 5000, कुल मान हमेशा नीचे 5000 नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो यहां से टैक्स का परसेंट निकल के आ जाएगा। 1000 से 1000, 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा भाई, 20%। इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में जो टैक्स का परसेंटेज का मान होगा वो प्यारे विद्यार्थियों 20% होगा। तो बस आज इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ये तीन बात समझ में आनी चाहिए, एक तो टैक्स परसेंटेज होता है टैक्स बटे इनकम मल्टीप्लाई 100, एक ये बात टैक्स में जितने रुपए की वृद्धि करेंगे नेट इनकम उतने ही रुपए से कम हो जाएगी और टैक्स में जितने रुपए की कमी करेंगे मतलब कम टैक्स लगेगा तो नेट इनकम उतने ही रुपए से बढ़ जाएगी। और एक बात यह कि इनकम माइनस टैक्स बराबर होता है नेट इनकम के। ये तीन बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कह रहा है और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का बहुत आसान है, पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आती। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है तो आयकर की दर क्या है। तो हमें पता है कि आयकर की दर निकालेंगे तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए टैक्स क्या है और आय पता होनी चाहिए, तो आयकर की दर आसानी से निकल के आ जाएगी। उसके अलावा आयकर की दर 19% से बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब आयकर की दर 19% से बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब आयकर पहले कितना है अगर उसको 19% में निकाल लूं तो ये पता लग जाएगा टैक्स कितने रुपए से बढ़ गया। और वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है, वास्तविक आय का मतलब नेट इनकम, तो नेट इनकम 1% से कम हो जाती है, इसका मतलब नेट इनकम का 1% मान निकाल लूं तो ये समझ में आ जाएगा कि नेट इनकम कितनी हो जाएगी। तो बात देखो वही है, आयकर की दर बढ़ेगी तो नेट इनकम कम हो जाएगी। यहां पर देखिए आयकर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी नेट इनकम कम हो रही है और हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि कर में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली कमी के बराबर होती है, अभी पीछे पढ़ा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। तो मैं मान लूं कि प्रारंभिक टैक्स ये था, मान के चलो टैक्स, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसका मैं अगर 19% मान निकाल लूं तो ये वैल्यू बराबर होगी नेट इनकम के 1% मान के, बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, नेट इनकम का मान ये हो जाएगा और टैक्स का मान ये हो जाएगा, इसका मतलब नेट इनकम रेशियो टैक्स
बराबर आ जाएगा। टैक्स का रेशियो, नेट इनकम का रेशियो कितना है 19 और टैक्स का रेशियो कितना है भाई 1। तो टैक्स 1 और नेट इनकम का रेशियो 19, लेकिन हमें बताना है टैक्स प्रतिशत कि कितने परसेंट टैक्स लगेगा। तो टैक्स परसेंट निकालने के लिए टैक्स कितना लग रहा है वो ऊपर, तो टैक्स कितना लग रहा है भाई, टैक्स कितना लग रहा है वो मान ऊपर, तो टैक्स लग रहा है 1, तो इसका मतलब जो 1 वैल्यू है वो ऊपर रहेगी, बटे कितने जो इनकम है वो कितनी है। तो ये देखो इनकम नहीं है, ये नेट इनकम है, अगर हमें इसको इनकम में बदलना पड़ेगा तो 19 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम आएगी 20, और हमेशा टैक्स परसेंट को इनकम पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला जो 20 है ये वाला मान हमारा आ जाएगा नीचे 20, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 100, तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो टैक्स का परसेंट कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहेंगे कि सर 5% आ गया। 5% कौन सी ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन इक्वेशन का करेक्ट आंसर हो गया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें आएगा पेपर में, तो जितना परसेंट नेट इनकम में कमी हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों परसेंटेजों को जोड़कर नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो इससे शॉर्टकट इस क्वेश्चन का कोई नहीं हो सकता, आंसर आ जाएगा 5%। कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नेट इनकम में जो परसेंटेज की कमी हो रही है वो वैल्यू ऊपर रहेगी और दोनों परसेंटेजों को जोड़कर 20 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 5%। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है जो पहला वाला क्वेश्चन था, बस संख्याएं अलग है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अभी शॉर्टकट मैंने आपको बताया, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए भाई, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। पूरा कंसेप्ट बता दिया है, पहले क्वेश्चन में सारी चीजें समझा दी हैं, तो अब समझाने की कोई जरूरत नहीं, अब बस क्वेश्चन को शॉर्ट से आउट करेंगे। तो देखो नेट इनकम इज डिक्रीज बाई 2%, तो ये तो टैक्स हो गया, तो इसको तो लिखेंगे ऊपर, उसके अलावा 23 और 2 दोनों को जोड़ के लिखेंगे नीचे 25 और मल्टीप्लाई 100, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 4 × 2 = 8% टैक्स की रेट आ जाएगी, आंसर कौन सा हो गया बेटा, ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, 8% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, ये भी उसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जो पहले हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे समझेंगे और करने की प्यारे विद्यार्थियों कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बार और क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। देखो आय जो है, अब यहां पर पिछले वाले क्वेश्चनों में आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, जबकि यहां पर आय जो है 4800 रुपये बढ़ रही है, इसका मतलब आय में परिवर्तन हो रहा है और आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है, इसका मतलब आयकर जो है पहले 12% रेट था वो 10% हो जाता है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। अब ये वाली शर्त इसमें कह रहा है रेट तो कम हुआ है लेकिन आयकर जितना पहले था उतना ही है, तो इन दोनों परिस्थितियों में 20% जो आय है वो कर मुक्त है, तो इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है। तो देखो पहली बात तो बेटा इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखें, इन दोनों परिस्थितियों में 20% कर आय जो है वो कर मुक्त है, चाहे 30% आय कर मुक्त हो चाहे 40% आय कर मुक्त हो, उससे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन समझ लो। तो पहले आप मुझे एक बात बताइए कि पहली वाली इनकम पर, पहले जो इस व्यक्ति की इनकम थी उस पर कितने परसेंट से टैक्स लग रहा था, 12% से, और अब जो व्यक्ति की इनकम है उस पर कितने परसेंट से टैक्स लगेगा, 10% के, और उसने हमसे कहा है कि लेकिन आयकर पहले के बराबर है, इसका मतलब पहली वाली इनकम पर 12% से निकालें तो कर आ जाएगा और बाद वाली इनकम पर 10% से निकालें तो कर आ जाएगा, और उसने कहा है दोनों कर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब पहली वाली इनकम को देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहली वाली जो इनकम है उसको अगर मैं एक्स मान लूं तो पहली वाली इनकम का 12% मान पहली वाली इनकम पर टैक्स हो जाएगा, और बाद वाली इनकम को मैं वाई मान लूं, बाद वाली इनकम को मैं वाई मान लूं, तो इस
पर 10%, तो वाई का अगर मैं 10% मान निकालूं, पहली वाली इनकम को मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स का 12% मान पहली वाली इनकम पर टैक्स हो जाएगा, और बाद वाली इनकम को मैंने वाई मान लिया, तो वाई का 10% मान जो है बाद वाली इनकम पर टैक्स हो जाएगा, और उसने कहा है दोनों टैक्स बराबर हैं, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड में कैंसिल हो गया, दो से ये आपका 5 times कैंसिल हो गया, दो से ये 6 बार कैंसिल हो गया, फिर वही x का मान 5 और y का मान 6। ये क्यों होता है रिवर्स, ये रिवर्स भाई प्यारे विद्यार्थियों क्यों होता है, मैं एक बार बता देता हूं, फिर आगे से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वो रिवर्स इसलिए होता है कि जब y को इधर लेके आएंगे तो इधर x तो ऑलरेडी है, y को जब इधर लेके आएंगे तो वो बटे में चला जाएगा, उसके अलावा 5 तो ऑलरेडी उधर है, 6 को इधर लेके आएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो यहां से x का जो मान है वो 5 रहेगा, y का जो मान है वो 6 रहेगा, तो यहां से x रेशियो y निकल के आ जाता है, वो आ जाएगा आपका 5:6। इसका मतलब ये है कि पहले जो इनकम 5 थी वो अब 6 है, तो इसका मतलब इनकम में वृद्धि कितना रेशियो हुई, 1, और ये हमको दी है, उसने कहा है कि आय 4800 रुपये बढ़ जाती है, इसका मतलब 1:1 का जो मान है वो 4800 के बराबर है। उसके बाद उसने पूछे इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है, वर्तमान आय का मतलब 6:1 का मान, इसका मतलब वर्तमान आय, ये तो प्रारंभिक आय पूछता तो 5 का मान निकालते, लेकिन इसने वर्तमान आय पूछी है तो 6:1 का मान निकालेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:1 का मान 4800 है और हमें 6:1 का मान बताना है मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 00864 2400 428, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28800। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा था मैंने वही किया है, बस यहां पर विद्यार्थियों को एक परेशानी ये आ रही होगी कि सर इसमें ये लाइन जो कही है, इन दोनों परिस्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, इसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, तो वो प्यारे विद्यार्थियों इसलिए नहीं पड़ा कि 20% आय कर मुक्त है, इसका मतलब 20% आय पर कर नहीं लगेगा तो 80% पर लगेगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं पहली वाली आय को देखूं तो इसके भी 80% पर लगेगा और दूसरी वाली आय को देखूं तो इसके भी 80% पर लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब 20% आय जो है वो कर मुक्त है तो इसका भी 80% निकालेंगे, इसका भी 80% निकालेंगे, तो जितनी पर कर लग रहा है वही तो निकल के आ जाएगा, लेकिन क्या होता है कि दोनों साइड में 80% से 80% कट जाएगा, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस वाली लाइन का क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो सेम इसी प्रकार का है, उसको ये आपकी क्लास का 4th क्वेश्चन, इसको आप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो तीसरा क्वेश्चन बताया है सेम उसी प्रकार का है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है, उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है, इन दोनों ही स्थितियों में इतनी परसेंट आय कर मुक्त है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, मैं पीछे बता चुका हूं, तो जो सकी प्रारंभिक आय क्या होगी उसकी, इसका मतलब ये सकी जो है ना बेटा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका कहने का मतलब क्या है उसकी, थोड़ा फीलिंगों को समझा करो, क्वेश्चन की फीलिंगों को समझिए भाई तभी काम चलेगा, अगर एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे तो काम कैसे चलेगा, फीलिंग से ही पूरा मैटर है। तो देखो 4th क्वेश्चन को देखो भाई, 4th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सेम पहली वाली आय पर 18% से टैक्स लग रहा था, अब वाली आय पर 15% से लग रहा है, दोनों ही स्थितियों में टैक्स बराबर है, तो पहली वाली इनकम को अगर मैं एक्स मान लूं तो इसका जो 18% मान है वो पहली वाली इनकम पर लगने वाला टैक्स होगा, और बाद वाली इनकम को अगर मैं वाई मान लूं और वाई का मैं 15% मान निकाल लूं तो ये बाद वाली इनकम पर लगने वाला टैक्स होगा, और दोनों टैक्स आपस में बराबर हैं, 3 से इसको कैंसिल करेंगे ये 5 बार कट जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे ये 6 बार कट जाएगा, x का मान 5 है, y का मान 6, तो x:y बराबर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 5:6, इसका मतलब पहले जो आय 5 थी वो 6 हो गई, और कितनी बढ़ जाती है 1800, तो बढ़ कितनी गई, तो आप कहेंगे कि सर 1:1 बढ़ गई, इस 1:1 का मान हमें बराबर दिया है उसने, 1:1 का मान हमें उसने बराबर दिया है 1800 के, पूछा है उसने प्रारंभिक आय क्या होगी, तो 5:1 का मान निकालेंगे प्रारंभिक आय के लिए, तो 5 × 1800, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90, तो x का मान प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 9000, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन पे है।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा जो हमने पीछे पढ़ा है, सेम उसी प्रकार का। तो कुछ नहीं, 2 सेकंड में क्वेश्चनों को खत्म कर देना है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना, ठीक है। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का जो 5वां क्वेश्चन है, वो 5वां क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसे हमने पीछे 4 क्वेश्चन किए हैं, बस उनसे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, देखो पढ़ के देखेंगे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। इसका मतलब पहले वाली इनकम पर लगने वाला रेट टैक्स का 15% है, बाद वाली इनकम पर लगने वाला रेट जो है वो 18% है। भुगतान किए गए कर का अनुपात जो है वो 3:2 है। इसका मतलब पहले जो हम 3 रेशियो कर देते थे पहली वाली इनकम पर, तो अब 2 रेशियो देंगे। और 26.5%, इसका तो कोई मतलब है नहीं। पीछे वाले क्वेश्चनों में आपको समझा चुका हूं इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है ये वाली बात भी मैं आपको बता चुका हूं। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है। तो देखेंगे 5वां क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं है 5वां क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो पहली वाली इनकम को मैं एक्स मान लेता हूं और पहली वाली इनकम का यदि मैं 15% मान निकालूंगा तो पहली वाली आय पर लगने वाला टैक्स या कर आ जाजाएगा। बाद वाली इनकम को मैं वाई मान लेता हूं और इस पर 18% से अगर मैं कर लगाऊंगा तो ये बाद वाली इनकम पर लगने वाला टैक्स आ जाएगा। और पहली वाली इनकम और बाद वाली इनकम पर लगने वाले टैक्सों का अनुपात 3:2 दिया। इसका मतलब ये वाला जो मान है वो 3/2 के बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 5 × x, 5x की वैल्यू बराबर आ जाएगी 9y के। यहां से x का मान 9 हो जाएगा, पीछे बता चुका हूं क्यों, और y का मान 5 हो जाएगा। तो यहां से प्रारंभिक आय x और नई आय y का अनुपात आ जाएगा 9:5। इसका मतलब पहले जो आय 9 थी वो अब 5 हो जाएगी, तो आय में कितने की कमी आई, 4 की। इस 4 रेशियो का मान उसने कहा है कि 3000 रुपये आय कम हो जाती है। इसका मतलब 4 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा 3000 के। 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 4 से 3000 को भाग दे देंगे, 4 × 28 = 750। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसने कहा है कि इसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। तो प्रारंभिक आय का रेशियो कितना होगा, 9। इसका मान हमसे पूछा है, तो 1 रेशियो का मान 750, प्रारंभिक आय के लिए 9 रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 × 750, तो 0, 9 × 45, 4, 9 × 63 और 4 × 67, तो आंसर आ जाएगा 6750। तो 6750 प्यारे विद्यार्थियों डी ऑप्शन पे है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आय टैक्स और नेट इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के हमने 5 क्वेश्चन पढ़े, इन क्वेश्चनों से अब आपको कोई भी डाउट इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में नहीं रहना चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पुराने जो हमने आय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परसेंटेज से हमसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 5% की कमी की जाती है तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन में कहा है बस वो कर देना है और कुछ नहीं करना। तो देखिए 6th क्वेश्चन, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, जो हमने पीछे टाइप पढ़े उनमें नहीं पढ़े, उनको हम यहां पर कर रहे हैं। तो मूल भिन्न को मैं मान के चलो, मैं मान लेता हूं कि जो मूल भिन्न है वो x/y है। अब उसके बाद जो कह रहा है वो परिवर्तन कर दो। उसने कहा है अंश को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब अंश में 20% वृद्धि की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 100 में जोड़कर लिखेंगे 120%। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हर को 5% से कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब हर को 5% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 95%। देखो भाई ये मैंने आपको बताया था कि इस चीज को कैलकुलेट करने, 20% वृद्धि को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, कि मान के चलो अंश पहले अगर 100% होगा तो उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो अब अंश कितना हो जाएगा, 120%। तो हमें निकालनी है ये वाली भिन्न 5/2 जो बाद में परिवर्तन के बाद हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें 2 भिन्न होती है, एक तो परिवर्तन के बाद वाली भिन्न और एक पहले वाली भिन्न। तो पहले वाली भिन्न को मैंने x/y मान लिया, तो ये जो ऊपर है ये तो अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। उसने कहा अंश को 20% से बढ़ाया जाता है, तो अगर वृद्धि है तो 100 में जोड़कर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कमी होगी, जैसे ये कमी है तो हर में हमने
हमने 100 में से घटाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू बराबर होगी जो बाद में भिन्न हो गई है उसके। तो बाद में भिन्न कितनी हो गई है, 5/2। बस हो गया क्वेश्चन, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई का मान निकालेंगे तो 95 उधर चला जाएगा, 5/2 95 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा 120, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 120। अब उसके बाद देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 24 बार, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बराबर हो जाएगी 95/48। इसका मतलब परिवर्तन के बाद भिन्न का मान 95/48 हो जाएगा, जो ए ऑप्शन पे है, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है बस वैसे वैसे करना है। अंश को 20% से बढ़ाने की बात कर रहा था, तो मैंने अंश का 120% मान निकाल लिया, तो बढ़ा हुआ मान मतलब अंश निकल के आ जाएगा, भाई 20% बढ़ा रहे हैं तो 100% इसका मान होगा, 20% बढ़ा रहे हैं तो इसका 120% निकाल देंगे तो नया अंश आ जाएगा कितना है, वो उसने दिया है कितना है 5। ऐसे ही हर को 5% से कम कर रहे हैं तो ये 100% होगा, इसमें से 5% कम करेंगे तो 95% रह जाएगा। तो पहले वाले हर का अगर मैं 95% मान निकालूंगा तो नया हर आ जाएगा, तो नया हर कितना है 2। यहां से मैंने एक्स अपॉन वाई निकाल लिया, एक्स अपॉन वाई जो है यही हमारे दूसरे जो प्रारंभिक भिन्न थी उसका मान होगा, 95/48 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चाहूं तो फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं भाई प्यारे विद्यार्थियों, इसी बात को मैं फ्रैक्शन से भी पढ़ सकता हूं। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से कुछ नहीं है, अंतर कुछ नहीं है भाई, अंतर कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन में और परसेंटेज में क्या अंतर है कि जब हमें कोई भी परसेंटेज परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया होता है, परफेक्ट में नहीं दिया होता, तब तो हमें करना चाहिए हमेशा फ्रैक्शन से, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जब हमें परसेंटेज परफेक्ट में दिया हो, जैसे 20 दिया है और 5 दिया है, तो आप चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे परफेक्ट में, बात सेम है। तो देखो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 20% वृद्धि हो रही है अंश में, इसका मतलब 20% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, वृद्धि की बात कर रहा है तो फ्रैक्शन बनेगा 6/5, तो अंश में 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हर में 5% कमी, तो 5% कमी का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/20, कमी बनाएंगे तो 20 में से 1 घटाकर 19/20, तो 19 का मल्टीप्लाई हर में हो जाएगा और 20 जो है ऊपर चला जाएगा, बस यही तो बात है, ये वाली चीज हो जाएगी बस। तो यहां से ही कैंसिल करेंगे, 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा, 19 जाएगा इधर, तो 19 × 5 = 95, और 24 आएगा इधर, 6 × 24 आएगा इधर, तो 24 × 2 = 48, तो भिन्न आ जाएगी 95/48। आप चाहें तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन से कर लो चाहे परसेंटेज से, जो क्वेश्चन में कहा है बस मैंने वही किया है। उसने अंश को 20% बढ़ाने की बात की है तो मैंने बढ़ा दिया, उसने हर को 5% घटाने की बात की है तो मैंने घटा दिया, और नई भिन्न के बराबर रख दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इसी प्रकार का इसी टाइप पर आधारित एक प्रश्न जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखेंगे आज की क्लास का 7th क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, तब तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब तक मैं ये मिटाऊं इतने टाइम में ये सॉल्व हो जाना चाहिए आपका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्व करें जल्दी, फिर मैं इसको बता दूंगा, फिर कर तो हम लेंगे। तो देखो 7th क्वेश्चन को, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं है। देखो क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, बस इस चीज को समझना है, और हर में 8% की कमी कर दी जाए तो उसका मान 15/16 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, मूल्य भिन्न मान लेता हूं मैं भाई x/y, अंश को 15% से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब 115% हो जाएगा, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। ऐसी हर को 8% से घटा रहे हैं तो इसका मतलब 92% हो जाएगा, और ये वाला मान बराबर हो जाएगा, भिन्न कितनी हो गई है 15/16, इसका मतलब भिन्न हो जाएगी आपकी 15/16। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 30 से ये 5 बार कट जाएगा, 30 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 4 से ये 4 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी 3/4। इसका मतलब भिन्न प्रारंभ में कितनी थी, 3/4। कौन सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी अंश और भिन्न पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें प्रारंभिक भिन्न को मान लेगा, प्रारंभिक भिन्न दिए नहीं निकालनी है फिर तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सीधा उसमें कर देंगे।
वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस वाली भिन्न से प्रारंभिक भिन्न लानी है तो जो अंश का परिवर्तन है वो तो हर में चला जाता है और हर का जो परिवर्तन है वो अंश में चला जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई देखो मैं बता दूं, पहले भिन्न को लिख लें कितनी है 15/16, उसके बाद पहले भिन्न को लिख लें 15/16 और फ्रैक्शन और परसेंटेज मैंने बताई दिया, दोनों में से किसी से चले जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब फ्रैक्शन से कब जाएंगे, जैसे मान के चलो इसकी जगह 16 से ही 2/3% दिया हो तो क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां तो 15% दिया तो फ्रैक्शन से जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 15/16 बाद वाली भिन्न है, 15% वृद्धि किसमें हो रही है, अंश में, अंश में 15% की वृद्धि का जो वो है उसको आप हर में करेंगे 115%, क्योंकि हमें बाद वाली भिन्न से पहली वाली लानी है तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे और हर में जो परिवर्तन है इसका मल्टीप्लाई अंश में करेंगे 92%, तो सीधी भिन्न आ जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 30 × 4=92, 30 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 3 बार कट जाएगा, 4 से 4 बार, तो भिन्न आ गई 3/4, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब हमें बाद वाली भिन्न से प्रारंभिक मान लाना हो तो अंश वाले परिवर्तन का मल्टीप्लाई तो करना है हर में आपको, और हर वाले परिवर्तन का मल्टीप्लाई करना है अंश में, तो आपकी प्रारंभिक भिन्न आ जाएगी 3/4। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अंश और हर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और परसेंटेज से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, विविध प्रकार के क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं आज वो क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ लें, 30% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, ए गोट 10% लेस मार्क्स फ्रॉम द पासिंग मार्क्स, बी गोट 11/9% लेस मार्क्स देन ए, एंड सी गोट 41/3/17% लेस मार्क्स देन ए प्लस बी, फाइंड आउट मार्क्स परसेंट ऑफ सी, सी का परसेंटेज मार्क बताना है क्या होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन की हिंदी में बात करते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब पासिंग मार्क्स 40%, तो ये मैंने परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए हैं भाई, और ये मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इधर उठा लिए उसी में से। तो पासिंग मार्क्स हमको दिए हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज दिया है प्यारे विद्यार्थियों वो क्वेश्चन में दिया है 40%, इसका मतलब एक विद्यार्थी अगर 40% मार्क्स प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो ए के प्राप्त जो हैं वो उत्तीर्णांक से 10% कम, तो ए के प्राप्तांक अंक निकालेंगे, तो ए के प्राप्तांक अंक निकालेंगे तो उत्तीर्णांक कितना है 40%, इससे 10% कम, तो 10% कम का फ्रैक्शन कितना बनेगा 9/10, तो 9/10, तो इसका मतलब ए द्वारा प्राप्त अंक कितने आ जाएंगे 9×36%। अब ये बताने की जरूरत नहीं 9/10 कहां से आ गया भाई, पहले बता चुका हूं सारी चीजें। फिर देखो बी ए से 11/1/9% कम अंक प्राप्त करता है, तो बी के भी निकाल सकते हैं, बी के निकालेंगे तो ए से, तो ए के कितने परसेंट है 36%, ए से 11/1/9% कम, तो 11/1/9% कम का फ्रैक्शन बनेगा 8/9, इसका मतलब 9×36, 8×32, तो बी के द्वारा प्राप्तांक अंक आ जाएंगे प्रादे विद्यार्थियों 32%। ठीक है, तो ए के द्वारा प्राप्तांक अंक कितने आ गए भाई, ए के द्वारा प्राप्तांक अंक 36 आ गए, बी के द्वारा प्राप्तांक अंक 32% आ गए। अब आगे चलते हैं, उसने कहा है सी ने ए और बी के कुल अंक का इतने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए 41/3/17%, क्वेश्चन को हटा दीजिए जरा, 41/3/17% कम अंक प्राप्त किए किसने, सी ने, और ए और बी के अंकों के, इसका मतलब पहले तो 41/3/17 का भाई फ्रैक्शन बन जाए तब हम क्वेश्चनों इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाए। तो देखो पहले इसका फ्रैक्शन बना लो, तो 41/3/17% का फ्रैक्शन, तो पीछे कितना, नीचे कितना आ रहा है भाई 17, इसका मतलब 1/17 का, अगर हमें याद है 1/17 का फ्रैक्शन होता है 5/15/17, अगर ये हमें याद है तो इसका फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है। अब इसे देख लो ये इसका कितने गुना है, तो 5×8=40, 8 बार जाएगा, तो लेकिन ये 15×120 तो बहुत हो जाएगा। अब इसको 7 बार देखते हैं तो 35, इसका मतलब अगर मैं इसको 7/17 करूंगा तो ये जरूर हो जाएगा 7/35 और 15/7 105/17%, लेकिन 17 से 105 फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 35 तो ये है ही और 17 × 102, इसका मतलब 6 और 35 41, और बच्चे का कितना 3/17%, इसका मतलब 41/3/17% का फ्रैक्शन में मान हो जाएगा 7/17। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों से
41 सही, 3/17% कम अंक प्राप्त किए। तो 41 सही, 3/17% कम का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो इसका फ्रैक्शन 7/17 है, लेकिन कम का बनाना है तो 17 में से 60 को घटाकर बनेगा 10/17, यही तो बनेगा। तो क्या कह रहा है सी ने और ए और बी के, इसका मतलब नीचे जो रेशियो आएगा वो ए और बी के प्राप्तांक आएगा, ऊपर जो रेशियो आएगा वो सी के प्राप्तांक आएगा। तो ए प्लस बी का प्राप्तांक देखिए कितने हैं, तो ए ने प्राप्त करे हैं कितने 36% और बी ने प्राप्त करे 32%। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो 36 और 32 कितना हो जाएगा 68%। इसका मतलब 68% प्राप्त किए हैं, तो 17 रेशियो का मान बराबर होगा 68% के, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 17 चौका 68 4। तो सी ने कितने परसेंट प्राप्त किए ये निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 = सी ने प्राप्त किए 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 40%। उसने यही कहा है कि बताइए सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो सी के आ जाएंगे 40%। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में मुझे दिया था बस वही करता चला गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पासिंग मार्क्स दिया था 40%, उससे मैंने ए का प्राप्त कर लिया, बी का प्राप्त कर लिया, सी का प्राप्त कर लिया, सी का हमसे पूछा था 40%, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखो किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, एक एग्जाम है जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए, कुल परीक्षार्थियों का 5% ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बचे हुए परीक्षार्थियों का 25% ने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया, 20% ने 4 प्रश्न के उत्तर दिए, सभी परीक्षार्थियों का 24.5% ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, यदि 200 परीक्षार्थी 3 प्रश्न के उत्तर दिए तो उस परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, आप कुछ भी मान के इसको कर लो, कुछ भी मान के कर लो। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ परीक्षार्थियों को अपने आप में चाहे आप 100 मान लो, चाहे परीक्षार्थियों को 200 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगे, हटा दो क्वेश्चन को जरा। तो मान के चलो ये जो है आज की क्लास का 9th क्वेश्चन है, हम 8 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने परसेंट हैं भाई, 100%। ठीक है, कोई भी मान 100% होता है। इसमें से उसने कहा है कि 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो इसमें से बस हमें बांटते चलना है कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 प्रश्न का उत्तर दिया है, ऐसे कौन से हैं जिन्होंने 2, तो सबसे पहले तो ये 2 छट गए। उसने कहा है कि 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो इसका मतलब ये 5% होंगे ऑल के जवाब देने वाले, और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब 5% होंगे जिन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मतलब 0। ठीक है, 0 प्रश्न के उत्तर दिए। इन 5 और 5 10% को निकाल देंगे तो बाकी के शेष कितने बचे भाई, तो बाकी के शेष बचे 90%। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं आगे, जरा क्वेश्चन लगाइएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन लगाइए जरा, 9th क्वेश्चन लगाइए भाई। तो 9th में देखो 5% सभी के उत्तर देते हैं वो ये हो गए, 5% जो है वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया वो ये हो गए, बाकी बचे 90%। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है बचे हुए परीक्षार्थियों का, मतलब आगे जो 25% निकालेंगे, जो शेष बचे हैं उन पर निकालेंगे, 25% ने सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर दिया, हटा दो क्वेश्चन को, तो बचे हुए ने सिर्फ जो है बचे हुए उनके 25% ने शेष के मतलब 90 पर निकालना है, तो इसमें से 1 प्रश्न का उत्तर दिया, तो 90% का कितने परसेंट ने भाई 25%, तो 90 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 4 × 8 कितना बचेगा, 1 बचेगा 10, 4 × 8 2 बचेगा, 4 × 5 20, मतलब 22.5% ने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए भाई, तो 22.5% ने 1 प्रश्न का उत्तर दिया। फिर कितने बचेंगे इसके बाद 90 में से इसको माइनस करेंगे 20 को, तो 90 में से 20 माइनस करेंगे 70 बचेगा, 70 में से 2 को माइनस करेंगे 68 बचेगा, तो बाकी के बचे 67.5%। बात को बिल्कुल ध्यान से समझते चलना भाई, ये बचे। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आगे लगाइए क्वेश्चन जरा।
फिर उसके बाद उसने कहा है कि 20% ने चार प्रश्नों के उत्तर दिए, मतलब जो जो ये है, अब इसमें सीएस का बीच में नहीं कहा, इसका मतलब जिस पर ये निकाला गया है उसी पर 20% निकाला जाएगा, हटा दो क्वेश्चन को, जिन्होंने चार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो इसका मतलब इन्हीं में से 90 के 20% ने, तो 90 के 20% कितना हो जाएगा 1/5, इन्होंने चार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो 1/5 का मतलब कितना हो गया भाई 18%, 18% ने चार प्रश्नों के उत्तर दिए तो 18% और ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 22 और 8 30 और 10 40.5 हो गया भाई, तो 40 को हटाएंगे 50, तो बाकी का बचा आपका 49.5%। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन को, आगे लगाएंगे क्वेश्चन। उसने कहा है फिर सभी परीक्षार्थियों के 24.5 ने दो प्रश्नों के उत्तर दिए, मतलब सभी परीक्षार्थियों के, हटा दो, सभी परीक्षार्थियों के 24.5%, मतलब 100 का 24.5 तो कितना हो जाएगा 24.5, और इसमें से घटा दो तो 24.5% ये हो गए, इन्होंने आपका जो है, इन्होंने चार का दिया, इन्होंने दो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो इन्होंने दो प्रश्न के उत्तर दिए हैं भाई, दो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो यहां से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 25%, 25% अब कौन से बचेंगे, देखो 5% जिन्होंने सभी के उत्तर दिए, 5% जिन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, एक वाले हो गए, दो वाले हो गए, चार वाले हो गए, तो बाकी जो 25% बचे ये कौन से होंगे, जिन्होंने तीन क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ये वो वाले होंगे, इन्हीं का मान, इन्हीं का मान हमें दिया है 200, इसका मतलब 25% की वैल्यू हमें बराबर दी है 200 की, 1% का मान निकालेंगे तो 25 से 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए 100% निकालेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 800, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कुछ नहीं किया, लॉजिकली बस 100% कुल विद्यार्थियों को मान लिया और उसके बाद मैंने परसेंटेज जैसे जैसे उसने कहे थे वैसे निकाल लिए, 5% यहां से कह रहा था तो इसमें से निकाल लिए, 5% यहां पर इसने, बाकी 90 बचा, फिर सीएस का कह रहा था तो सीएस का 25% भी सीएस पर निकाला जाएगा और 20% भी सीएस पर निकाला जाएगा, दोनों निकाल लिए, उसके बाद कितने बचे 49.5, फिर उसके बाद 24.5 कह रहा है कुल का, मतलब 100 पर निकाला जाएगा, तो 24.5 बाकी 25% तीन क्वेश्चन वाले होंगे, आंसर आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार थोड़ा सा और नेक्स्ट देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। 10th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक महीने एक आदमी 25 किलोग्राम चावल की खपत करता है और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। ठीक है, तो यहां पर भाई राइस है और व्हीट है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है और वह चावल और गेहूं पर प्रति महीने 350 रुपए खर्च करता है। तो देखो बात को समझते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन। घर पे बैठ के अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो एक बार आप कॉपी पेन निकाल के घर पे बैठिए, बैठने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ पे पढ़ ही रहा हूँ, उसके अलावा आपको भी थोड़ा बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप चीजों को अपने आप से कर पाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखते हैं 10th क्वेश्चन। देखो, प्रत्येक महीने एक आदमी 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है, इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो है राइस चावल है और एक आपका गेहूं है वीट। ठीक है, तो यहां पर 25 किलोग्राम चावल की खपत कर रहा है, तो ये 25 किलोग्राम चावल की खपत करता है और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है, बिल्कुल ध्यान से समझना चीज को। ठीक है, उसके बाद कह रहा है चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है, इसका मतलब मैं 20% का फ्रैक्शन मान निकालूंगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्या कह रहा है ये देखेंगे, तो ये कह रहा है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत की, मतलब चावल की कीमत की तुलना गेहूं की कीमत से की जा रही है, तो जिससे किया जाता है तुलना वो वैल्यू नीचे आती है, इसका मतलब चावल की कीमत गेहूं की कीमत का, तो इसका मतलब वीट की कीमत आएगी आपकी नीचे 5:1 और राइस की कीमत आएगी आपकी ऊपर 1:1। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो प्रति महीने 350 रुपए खर्च करता है, यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तब वह चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे 350 रुपए ही खर्च हो जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत स्थिर है, ये वाली बात उसने कही है। ठीक है,
तो पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो गेहूं पर प्रति महीने, ये चावल और गेहूं पर प्रति महीने 350 रुपए खर्च कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 25 किलोग्राम चावल खरीद रहा है और 1:1 उसका मूल्य है, तो इसका मतलब 25:1 हो गया, 25:1 खर्चा यहां हो गया, ठीक है, प्लस 5:1 वीट का मूल्य है, 9 किलोग्राम खरीदता है, तो 9×5=45 खर्चा यहां से हो गया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 70। इस 70:1 का मान उसने बराबर दिया है 350 रुपए के, ठीक है। तो 1:1 का मान निकालेंगे तो 70 से ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो 1:1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 5। तो यहां से चावल का मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा, 1:1 का मान कितना हो गया भाई 5, तो चावल का मूल्य यहां से आ जाएगा 5 रुपए प्रति किलो। अब ये परफेक्ट में आ गया भाई, 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया और वीट का मूल्य आ जाएगा 5×5=, हटा देना जरा क्वेश्चन को, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ये दोनों की परफेक्ट में जो है भाव आ गए, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखते हैं, जरा लगाइए क्वेश्चन को आगे। वो कह रहा है कि यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, हटा दो, गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो कीमत की गेहूं की कीमत है कितनी, गेहूं की कीमत है कितनी 25, और से 20% से ये बढ़ा रहा है, तो गेहूं का जो मूल्य है वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, उसको 20% से बढ़ाएंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बढ़ाने की बात कर रहा है तो 6/5, तो 5 से 5, तो गेहूं की नई कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत हो जाएगी 30 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। उसके बाद आगे जरा क्वेश्चन लगाइए क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है तब वह चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिसे 350 रुपए ही खर्च हो जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत स्थिर है। मतलब चावल का मूल्य पहले के बराबर है 5 और गेहूं की खपत पहले के बराबर है, तो इसका मतलब गेहूं तो ये भाई 9 किलोग्राम ही खरीदेगा, हटा दो, गेहूं तो ये 9 किलोग्राम ही खरीदेगा, इसका मतलब गेहूं पर खर्च कितना आ जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, गेहूं पर ये खर्च कितना करेगा, तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम से 9 किलोग्राम ही खरीदेगा, तो इसका मतलब 270 रुपए तो भाई ये खर्च कर देगा गेहूं पर, उसके बाद 350 रुपए खर्च करने हैं, तो इसका मतलब चावल पर खर्चा कितना आ जाएगा, तो चावल पर खर्चा निकालेंगे तो 350 में से 270 गेहूं पर खर्च घटा देंगे, तो चावल पर खर्चा कितना आ जाएगा 80 रुपए। चावल पर 80 रुपए खर्च करता है, चावल का भाव पहले के बराबर है मतलब 5, तो इसका मतलब कितने किलोग्राम चावल आ जाएगा, तो 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब चावल आ जाएगा आपका 16 किलोग्राम। अब देखो उसने पूछा क्या है, जरा क्वेश्चन लगाना जरा, उसने क्या पूछा है, 16 किलोग्राम उसने ये क्या पूछा है, उसने पूछा चावल का मूल्य और गेहूं स्थिर है, पूछा है तब वह चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, ये पूछा है, हटा दो क्वेश्चन को, तो चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करे ये पूछा है, तो पहले चावल कितना खपत करता था 25 किलोग्राम, अब चावल कितना खपत कर रहा है 16 किलोग्राम, इसका मतलब परसेंटेज कमी निकालेंगे चावल की खपत में, चावल की खपत में परसेंटेज कमी निकालेंगे, तो कमी कितने की हुई है 9 की, कितने पर 25 पर और मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज कमी आ जाएगी 25×100=36%, इसका मतलब चावल की खपत में 36% कमी करनी पड़ेगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया भाई, राइस का हमें पहले क्वांटिटी पता थी और वीट की भी पता थी, मूल्य का रेशियो हमने निकाल लिया, यहां से निकालेंगे कितने रुपए खर्चा हुआ, तो 25 किलोग्राम राइस 1:25, 9 किलोग्राम राइस 5×45, टोटल खर्चा 37:350 के बराबर है, तो 1:1 का मान आ गया 5, इसका मतलब चावल का प्रारंभिक मूल्य 5 आ जाएगा और गेहूं का प्रारंभिक मूल्य 25 आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि गेहूं के मूल्य को 20% से बढ़ा दिया गया, तो गेहूं का नया मूल्य कितना हो जाएगा 30, उसके बाद गेहूं की खपत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पहले 9 किलोग्राम करता था अब भी 9 किलोग्राम करेगा, तो गेहूं पर खर्चा कितना हो जाएगा 270, खर्च कर रहा है 350 में से 270 को घटा देंगे तो चावल पर खर्चा आ जाएगा 80, चावल के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, पहले भी 5 था अब भी 5 है, तो चावल की खपत हो जाएगी 16 किलोग्राम। तो वही कह रहा है चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी आई, तो पहले
पहले चावल की खपत 25 थी, अब 16 है, तो कितने की कमी आई? 9 की। कितने पर? 25 पर। मल्टीप्लाई सो आंसर आ जाएगा 36%। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, जो टाइप मैंने कराए हैं उनसे उनमें मैंने इन क्वेश्चनों को नहीं कराया, इसलिए इनको मैंने अलग से लिया है। कुछ भी नहीं बचेगा, सारी चीजें आपकी करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक विद्यार्थी कमेंट करके बोल रहा था सर आय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराए, जबकि वो आज की क्लास में आने वाले थे, तो देखो आज करा दिए मैंने। तो ऐसी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई भी टेंशन न लो, कुछ नहीं बचेगा। उसके अलावा जब प्रैक्टिस होगी तो बाकी के क्वेश्चन हम वहां पे कर लेंगे। तो देखो 11वां क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, 11 क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये सिंपल है, जो परसेंटेज से होते हैं परसेंटेज से। देखो किसी वर्ष एक क्रिकेट टीम 40 मैच खेली और उसमें से 40% मैचों में उसे जीत मिली। देखना इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना, ये मैं करा चुका हूं आपको पीछे कंसेप्ट, लेकिन बस लैंग्वेज अलग है और कुछ नहीं है। 40 मैच एक देखो एक क्रिकेट टीम ने 40 मैच खेली और उसमें 40% मैच में उसे जीत मिली। अगले वर्ष हम लगातार कई मैच जीती, मतलब लगातार जीती, हारी नहीं है, तो किसी जीत का प्रतिशत 80 हो गया, तो टीम लगातार कितनी मैच जीती? तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहले टीम 40 मैच खेली तो इसमें कुछ मैच जीती होगी, कुछ हारी होगी। उसके बाद जब टीम जितने भी मैच खेली है उन सब में जीती है, हारी एक भी नहीं है। इसका मतलब पहले वाले मैचों में टीम जितने मैच हारी होगी और बाद वाले मैचों में टीम जितने मैच हारी है, उन दोनों की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? बराबर है। इसका मतलब पहले मैं ये निकाल लूं कि पहले टीम कितने मैच हारी है, तो बाद वाले मैचों में टीम हारने वालों के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो पहले 40 मैच खेली उसमें से 40+ मैच उसने जीते, तो हमें कैलकुलेशन उस पर करनी है जो वैल्यू दोनों बार में बराबर रहती है, तो हारने वाले मैचों की संख्या बराबर रहेगी। तो पहले वाले केस में टीम 40 मैच खेली उसमें से 40% मैच जीती, तो हारेगी कितनी? 60%। इसका मतलब 40 का 60% मान, 40 का 60% मान बराबर होना चाहिए। बाद में वो कई मैच जीती, तो मैं मान लेता हूं कि बाद में अब मैचों की संख्या जो है वो एक्स हो गई, और इसमें 80% जो जीत का परसेंट हो गया, तो इसका मतलब हार का परसेंट कितना होगा? 20%। 80% जीती है तो हारेगी कितनी? 20%। अब मैंने हार का ही परसेंट क्यों लिया है? क्योंकि इसमें जब वो लगातार टीम जीत रही है तो जीत का जो वैल्यू है, मतलब जीतने वाले मैचों की संख्या में, इस 40 में जो जीतने वाले मैच होंगे और हारने वाले मैच होंगे, ऐसे ही आगे वाले जो हैं उनमें जीतने वाले और हारने वाले मैच होंगे, तो यहां पर जीतने वाले मैचों की संख्या और यहां पर जीतने वाले मैचों की संख्या बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाद में जो मैच खेली है वो सभी जीती है, तो जीतने वाले मैचों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर हारने वाले मैचों की संख्या और यहां पर हारने वाले मैचों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि इस दौरान टीम कोई भी मैच हारी नहीं है। मतलब हारने वाले मैचों की संख्या जितनी पहले थी उतनी ही आज है, इसलिए मैंने दोनों चीजों को बराबर कर दिया। तो नए मैचों की यहां से संख्या आ जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 20 से 3 बार, इसका मतलब एक्स का मान कितना हो गया? 40 + 120। इसका मतलब टीम ने आज की डेट में 120 मैचेस खेल लिए, पहले कितने खेले थे? 40। तो ये कह रहा है बताइए वह टीम लगातार कितना मैच जीती, तो बाद में जितने खेले उन सबको जीती ही है, तो पहले 40 मैच थे अब 120 हो गए, तो इसका मतलब बाद में कितने मैच खेली है टीम? बाद में कितने मैच खेली है? तो इसका मतलब आप कहेंगे सर 80 मैच खेली है और जितने भी खेली है सबको जीती है, इसका मतलब जीतने वाले मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80। ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट को समझना था कि पहले जो मैच 40 थे उसमें उसका परसेंट जीतने का 40% था, हार का परसेंट 60% हो जाएगा। अगले वर्ष वह टीम लगातार कई मैच जीती, मतलब अब जो मैच खेली है उनमें लगातार जीत मिली है, हारी किसी में नहीं है, तो पहले वाले मैचों में जो हारने वाले मैच हैं उनकी संख्या बाद में हारने वाले मैचों के बराबर होगी। तो मैंने वही किया, तो बाद में जीत का परसेंट 80% था तो हार का परसेंट कितना हो जाएगा? 20%। तो बाद वाले मैचों की संख्या का मैं 20% निकालूंगा तो हारने वाले मैचों की संख्या आ जाएगी, और 40 का 60% निकालूंगा तो हारने वाले मैचों की संख्या आ जाएगी, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो टोटल मैचों की संख्या आ जाएगी 120। 120 में से 40 ये पहले खेली थी, तो अब जो नए मैच खेली है उनको ही लगातार जीती है, उसने यही पूछा वर्ल्ड टीम लगातार कितने मैच जीती, तो 80 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। किसी वस्तु के मूल्य को के प्रतिशत से घटा दिया जाता है, घटे हुए मूल्य को पुनः के प्रतिशत से बढ़ा दिया जाता है, यदि वर्तमान मूल्य ये है तो प्रारंभिक मूल्य। बस ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, बस यहां पर अगर ये परफेक्ट में मान दे देता तो क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर देते, लेकिन परफेक्ट में नहीं दिया, के परसेंट में दिया है, तो के परसेंट से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले के परसेंट से मूल्य को घटा दिया
दिया जाता है तो इनिशियल फाइनल होगा, क्योंकि घटे हुए मूल्य को बढ़ा रहे हैं तो सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल फाइनल से करते हैं सक्सेसिव, इनकी जो सक्सेसिव डिक्रीज वाले क्वेश्चनों को इनिशियल फाइनल से करते हैं। तो के परसेंट से घटाया जाता है, तो के परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू के बटे 100, तो प्रारंभिक मान जो 100 होगा वो अब कितना हो जाएगा 100 माइनस के। ऐसे ही के परसेंट से बढ़ा रहे हैं तो प्रारंभिक मान जो 100 होगा वो अब कितना हो जाएगा, बढ़ा रहे हैं तो जुड़ जाएगा 100 प्लस के, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रारंभिक मान जो 100 का स्क्वायर होगा वो अब 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b a माइनस b ये हो जाएगा। ये हो गया वर्तमान मूल्य, ये हो गया प्रारंभिक मूल्य। कौन सा मूल्य दिया है इसने, वर्तमान मूल्य दिया है, तो इतने रेशियो का मान दिया है, तो इस रेशियो का मान मतलब 100 का स्क्वायर और माइनस के का स्क्वायर, इतने रेशियो का मान बराबर दिया है एक्स बटे 100। ठीक है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा एक्स बटे 100 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट नीचे चला जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। प्रारंभिक मूल्य के लिए कितने 100 स्क्वायर रेशियो का मान निकालेंगे, तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा हमारा एक्स बाई 100 और नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 स्क्वायर से। भाई प्रारंभिक मूल्य का रेशियो कितना है 100 का स्क्वायर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाई 100 बटे 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए नहीं है, आंसर हमने निकाल लिया। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ही टाइप में मैं आपको इनिशियल फाइनल पढ़ा चुका हूं, उसी पर आधारित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का भाई 13th क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रैक्टिस की क्वेश्चन है। एक बर्तन में पानी स्प्रिट एल्कोहल की कुल मात्रा 800 ग्राम मिश्रण है, उसमें उसकी मात्रा 20% 30% 50% है, मिश्रण में से 40% स्क्वायर दो, देखो बहुत नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वो करते जाओ। तो टोटल मिश्रण कितना है भाई 800 ग्राम, ठीक है, टोटल मिश्रण कितना है भाई ये देखो, तो उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है ये दिया है उसने, 20% उसमें 30% और 50% और क्या क्या चीज है, पानी स्प्रिट और एल्कोहल। तो पहले आप रेशियो बना लो कितना है, तो इसमें तीन चीजें हैं, वाटर है, रेशियो स्प्रिट है और एल्कोहल है, ठीक है, और टोटल वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब वाटर कितना है 20%, तो 20% हो जाएगा वाटर, रेशियो बना लो सीधा, तो ये हो जाएगा आपका 20%, स्प्रिट कितना हो जाएगा आपका 30% और 50% आपका हो जाएगा एल्कोहल, तीनों का परसेंट दिया है और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 100%, परसेंट 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 सब में कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, 0 0 0 सब में कैंसिल हो जाएगा, तो पानी का अनुपात स्प्रिट से अनुपात एल्कोहल से 5 3 2 5 और टोटल आ जाएगा 10, ये रेशियो बन गया। वो कह रहा है 800 ग्राम मिश्रण है, इसका मतलब मिश्रण टोटल कितना है 800 ग्राम, तो 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 800 ग्राम, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 80। अब इसमें निकाल लो वाटर कितना हो गया इसमें, तो 80 मल्टीप्लाई 2 वाटर हो गया भाई 160 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही स्प्रिट कितना हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 80 स्प्रिट हो जाएगा 240 ग्राम। ऐसे यहां पर निकाल लो एल्कोहल मल्टीप्लाई 80, तो एल्कोहल हो जाएगा हमारा 400 ग्राम। सारी चीजें आ गई, अब बस उसके बाद जो कह रहा है वो करते जाओ। उसने कहा मिश्रण में से 40% स्प्रिट को उड़ा दिया गया, तो मिश्रण में से 40% स्प्रिट को उड़ा दिया जाएगा तो बचेगा कितना 60%। भाई 40% उड़ा दिया जाएगा तो कितना बचेगा 60%, तो 60% 40% इसमें से उड़ गया तो 60% बचेगा, तो 60% कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 6 2 12 और 2 144 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 40% स्प्रिट को उड़ा दिया जाएगा तो बचेगा कितना 60%, तो 240 का 60% मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम। अब उसके बाद आगे देखो 80 ग्राम एल्कोहल और डाल दिया गया, मतलब एल्कोहल 400 ग्राम ऑलरेडी था, इसमें 80 ग्राम और ऐड कर दिया गया, जो कह रहा है वो करते जाओ। तो 80 ग्राम और ऐड कर दिया तो इसका मतलब एल्कोहल कितना हो जाएगा भाई 480 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पानी की मात्रा को भी 50% से बढ़ा दिया गया, पानी की मात्रा में 50% की वृद्धि, तो 50% का मतलब आधा 80 और बढ़ जाएगा, तो 80 और बढ़ जाएगा तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 240 ग्राम। अब उसके बाद उसने कहा अब स्प्रिट की मात्रा गए मिश्रण का कितना प्रतिशत है, नए मिश्रण का, गए नहीं ये बेटा नया मिश्रण है, मतलब ये पूछा है स्प्रिट जो है वो नए मिश्रण में कितने परसेंट है, निकाल दो।
तो स्प्रिट की मात्रा नए मिश्रण में, तो स्प्रिट कितना बचा है नए मिश्रण में, 144 ग्राम, 144 ग्राम, और नया मिश्रण टोटल बन कितना रहा है 480, और 200 कितना हो जाएगा 680, और 40 720, 820 और 864 ग्राम टोटल बन रहा है, और मल्टीप्लाई 100, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो 12 इसको कैंसिल कर दो आप, 4 से 4 दुनिया 8, 4 एक 4, 4 छिंग 24, 4 से इसको कैंसिल करें, 12 से सीधा कर दो, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 दुनी 24, तो ये हो जाएगा सीधा आपका 72 बार, और 12 से ये 12 बार, 12 से ये 6 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 16.66%। तो 16.66% कौन सी ऑप्शन पे, ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे मैंने आपको पीछे तीन लैंग्वेज बताई थी, एक तो ये बताया था ए का 20%, एक बताया था 20% अधिक, एक बताया था 20% क्वेश्चन, क्वेश्चन चाहे कितना भी लंबा हो इन तीन लैंग्वेजों के अलावा कोई चौथी लैंग्वेज आ नहीं सकती। देखो उसकी मात्रा 20%, 30%, 50% पहले वाली ये लैंग्वेज हो गई, मिश्रण में 40% स्प्रिट बढ़ा दिया पहले वाला हो गया, 80 ग्राम बढ़ा दिया, उसके बाद पानी की मात्रा को 50% से बढ़ा दिया पढ़ने वाली होगी, मतलब उन तीन लैंग्वेजों से ही क्वेश्चन बनेगा चाहे कितना भी लंबा हो। तो उन तीन लैंग्वेजों को कैलकुलेट करना अगर आपसे आ गया तो क्वेश्चन कैसा भी कहीं से भी आ जाए आप सारी चीजें कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16.66%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 14th क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके परसेंटेज के ज्यादातर जो टाइप हैं सारे पहले ही खत्म करा दिए थे, विविध क्वेश्चन भी यही जो मैंने आपको कराए यही आते हैं, सारे विविध टाइप भी खत्म हो गए, अब आपकी परसेंटेज की प्रैक्टिस चलेगी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन पर आधारित, वो जल्दी रहेगी साइड से, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी ही अगले वीक में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखें 14 क्वेश्चन देखें, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेंगे और परसेंटेज की प्रैक्टिस कराएंगे। दो संख्याएं जब पहली संख्या को 125% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम है, मतलब एक संख्या को, देखो एक संख्या को जब 125% से बढ़ाते हैं, एक संख्या को जब 125% से बढ़ाते हैं तो दूसरी संख्या से वो 300 कम रह जाती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है, जब पहली संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है तो दूसरी संख्या से वो 200 कम रह जाती है, ये कहा है 200 कम रह जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का योग, बस बहुत आसान है कुछ नहीं है। एक संख्या को जब 125% से बढ़ा दिया जाता है तो दूसरी संख्या से वो 300 कम रह जाती है, और जब संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है तो वो 200 कम रह जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी समझ में एक बात आ गई, यहां से आप एक बात बताइए कि इस संख्या को 150 से बढ़ाने पर दूसरी संख्या से 200 से कम रह जाती है, और अगर मैं इस संख्या को, मतलब अब हमें क्या करना है, हमें यह सोचना है कि 200 से कम रह जाती है, मैं इस संख्या को कितने से कम करूं कि ये 300 से ही कम रह जाए, तो इसका मतलब इस संख्या को अगर 300 से कम करेंगे तो इसमें 100 और कम करना पड़ेगा तभी तो ये 300 से कम हो पाएगा, तो इधर भी 100 और कम करना पड़ेगा, तो 100 और इधर कम करेंगे तो इधर कितना बचेगा 50, और इधर कम कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब ये है, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि एक संख्या को 125% से बढ़ाया जाता है तो संख्या 300 कम रह जाती है, और उसी संख्या को जब 50 से बढ़ाया जाता है तो भी 300 कम रह जाती है, इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, तो इस संख्या का, पहली वाली संख्या का 125% मान 50 के बराबर होगा, इसका मतलब पहली वाली संख्या का 125% जो मान है वो कितने के बराबर होगा 50 के, यहां से 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 50/125, और संख्या के लिए कितने का निकालेंगे, संख्या के लिए 100% का मान निकालेंगे, तो संख्या का मान आ जाएगा 25 से कैंसिल कर लो दो बार, 25 से 5 बार, तो संख्या का मान आ जाएगा 2/5 × 100, 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, 20 × 40, इसका मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी आ जाएगी भाई, प्रारंभिक संख्या आ जाएगी 40, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, तो एक संख्या तो आ गई 40, ठीक है, अब उसके बाद दूसरी संख्या निकालेंगे, ये हो गई पहली संख्या, ये हमारा भाई फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है,
फर्स्ट नंबर हो गया 40। अब वो क्या कह रहा है, इस वाली कंडीशन से देखो, जब उस संख्या को 50 बढ़ाया जाता है तो दूसरी संख्या से 300 कम रह जाती है। इसका मतलब अगर मैं सेकंड नंबर निकालूंगा, सेकंड नंबर कितना होगा, तो 40 को जब 50 से बढ़ाया जाता है तो भी वह दूसरी संख्या से 300 कम रह जाती है। तो इसका मतलब इसमें अगर मैं 300 और जोड़ दूं तो दूसरा नंबर बन जाएगा, तो दूसरा नंबर बन जाएगा आपका 390। दूसरी संख्या हो गई 390, पहली संख्या हो गई 40, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या 390 प्लस 40 इक्वल टू दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 430। तो 430 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, परसेंटेज को कंपैरिजन करने के लिए इस वाली चीज को समान कर लिया। तो दूसरी वाली कंडीशन में उसने कहा था कि 150 जब बढ़ाया जाता है तो 200 कम रह जाती है, तो मैं ये मान लूं कि ये 300 कम कब रहती, मतलब 300 कम कब रहती, उसके लिए इसमें से 100 और कम करना पड़ता, तो जब 100 यहां से कम करना पड़ता तो 100 यहां से भी कम करना पड़ता। इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आएगा कि जब पहली संख्या को 50 से बढ़ाया जाता है तो भी वो दूसरी संख्या से 300 कम रह जाती है, और जब उसको 125% से बढ़ाया जाता है तो भी 300 कम रह जाती है। इसका मतलब संख्या का 125% मान 50 के बराबर है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 430 सी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो परसेंटेज से इस प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हमने कर लिया है, परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा खाली स्लाइड लगाइएगा। तो ये हमने परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पेपरों में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको टाइप बाय सारा परसेंटेज पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों। उसके अलावा मैंने बाद में परसेंटेज से विविध जो क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई हैं। अब यहाँ से हम परसेंटेज के जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे टाइप हैं, उनको खत्म करते हैं, मतलब परसेंटेज आपका आज की क्लास में खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लाभ और हानि की तरफ चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलेंगे, जो परसेंटेज का ही एप्लीकेशन है। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग और नए जोश के साथ, लाभ और हानि में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।